हाँ जी बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज बेटा हम शुरू कर रहे हैं हमारी लॉजिकल रीजनिंग का अगला एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बेटा ब्लड रिलेशन। ठीक है, इसका नाम होता है क्या? ब्लड रिलेशन। ठीक है, नहीं तो हम इसको फैमिली ट्री के नाम से जो है वो भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो है बेटा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तब फिर हम आगे जाके इसको शुरू करते हैं। ये स्लाइड बेटा मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, एंड मैं आपके साथ एक वाइट स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ और फिर हम आगे जो है वो बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो फैमिली ट्री कैसे काम करता है? हाँ लेट्स सपोज मैं आपको लेके चलता हूं यू। ठीक है, ये मैं हूं। ठीक है, आप इसमें अपने आप को रख सकते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर अपने आप को रख सकते हैं। अब आपसे जो एक जेनरेशन बड़े हैं, ठीक है, एक जनरेशन अप, वन जनरेशन अप, इसमें कौन कौन आता है बेटा? फादर, मदर, सारे अंकल, है ना। सारे अंकल्स का मतलब होता है ताया जी, चाचा जी, मास्टर जी। ठीक है, ये सब आपसे एक जनरेशन जो है वो बड़े हैं क्योंकि ये आपके मम्मी पापा की जनरेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सारी इसके अंदर आती है बेटा आंटी। ठीक है, तो अगर वो मम्मी की साइड से होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? मैटरनल। अगर कोई पापा की साइड से होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा? पेटर्नल। ठीक है, ये अभी नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो एरो खराब हो जाएगा। तो मम्मी की तरफ से जो आते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? मैटरनल। और पापा की तरफ से जो आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पैटर्नल। तो पापा की तरफ से कौन कौन आता है? ताया जी, चाचा जी, ठीक है, फूफा जी, बुआ। ठीक है, और मम्मी की तरफ से कौन कौन आता है? मामा जी, मामी जी, ठीक है, मासी जी, मासर जी, राइट। तो ये सारे आते हैं। ठीक है, अच्छा, जब भी कोई कपल हो, कपल का बेटा मतलब होता है हस्बैंड एंड वाइफ। तो अब हस्बैंड है तो आप उसको बॉक्स ए लिख के कर सकते हैं, एंड कपल के लिए बेटा हस्बैंड एंड वाइफ के लिए आप बेटा क्या बना सकते हैं? इक्वल टू का साइन। जैसे मैंने ए लिख दिया और बी लिख दिया, तो ए का मतलब क्या हो गया बेटा? ये मेल है और मेल जो है वो क्या होंगे बेटा? हस्बैंड। ठीक है, और ये क्या हो गई? उनकी वाइफ। और वाइफ जो है बेटा वो क्या हो जाएंगी? फीमेल। तो कोई भी फीमेल कैरेक्टर है तो आप उसको सर्कल से लिख सकते हैं, कोई भी मेल कैरेक्टर है तो बेटा आप उनको स्क्वायर से बंद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब बात आती है बेटा कि अगर आपका कोई सगा भाई है, रियल ब्रदर, इज दैट क्लियर? तो अगर आपके पास रियल ब्रदर है या सिस्टर है तो आप उसको इस एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे ब्रदर भी आते हैं, हमारे हमारी सिस्टर भी आती है, हमारी जेनरेशन में हमारा कजन भी आता है बेटा। इज दैट क्लियर? है ना, हमारा कजन जो है वो इस जेनरेशन में आ गया। अच्छा, देन हमारा ब्रदर इन लॉ, है ना, BIL, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, देन हमारी सिस्टर इन लॉ, SIL,
तो बेटा ये सब हमारी जेनरेशन के अंदर जो है वो आते हैं, ठीक है। कोई भी ठीक है क्या कहते हैं, हमसे छोटा है ना, हमसे नेक्स्ट जेनरेशन, तो बेटा वन जेनरेशन डाउन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, सन आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, डॉटर आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, सन इन लॉ आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, डॉटर इन लॉ आ जाएगी, है ना। डॉटर इन लॉ मतलब बहू हो गई, सन इन लॉ बेटा है ना दामाद जी हो गए, ठीक है। तो बेटा ऐसे ये जनरेशन जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा बेटा हमारे मॉम डैड की जो ऊपर की जनरेशन जो होती है, ठीक है, वो एक जनरेशन और अप हो गई, वन जनरेशन अप। तो इसमें हमारे कौन आते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स में बेटा कौन आ जाएगा, दादा दादी नाना नानी। ठीक है। अच्छा, आपसे नीचे की जेनरेशन में बेटा एक और आता है, नेफ्यू नीस, है ना, भतीजा भतीजी। और भतीजा एंड भतीजी बेटा दोनों मामा जी की साइड के भी होते हैं और ताया जी की साइड के भी होते हैं। इज दैट क्लियर? तो क्या कहते हैं, जो आपकी सिस्टर का बेटा होगा या कजन का बेटा होगा वो, या आपके भाई का जो बेटा होगा वो नेफ्यू कहलाता है, और आपके भाई का जो, भाई की जो बेटी होगी या आपकी सिस्टर की जो बेटी होगी वो क्या कहलाती है बेटा, नीस जो है वो कहलाती है। तो अगर आपके पास कोई ब्रदर सिस्टर है तो आप ब्रदर सिस्टर को इस एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आपकी चॉइस है, ठीक है। तो सिस्टर जो है अगेन वो क्या आ जाएगी बेटा, सर्कल में, और ब्रदर जो है बेटा वो सिंस मेल है तो वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इसे बेटा हम क्या कहते हैं, फैमिली ट्री, या इसको बेटा हम क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन, ठीक है, जिसके बिहाफ पर हम बेटा अगला टॉपिक जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। और आपसे अगर एक और जनरेशन हम नीचे चले जाएं तो बेटा ये क्या आ जाते हैं, ग्रैंड सन, या फिर ये क्या आ जाएंगे बेटा, ग्रैंड डॉटर। वन जनरेशन बिलो, ठीक है। तो ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, तो ये होता है बेटा फैमिली ट्री। आपको अगर इसको कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा फिर शुरू करते हैं आगे, ये मैं हटा रहा हूं, ठीक है। एंड अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ शुरुआत, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस बेटा मैं आपको कराता हूँ और फिर आप थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। एक छोटा सा रफ वर्क, रफ पेज जो है वो आप ले लो, उसकी आपको जरूरत पड़ने वाली होगी, एंड ट्राई टू रिलेट द तरीके से जो मैंने बताया है। पहला क्वेश्चन कहता है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, ये रहा बेटा वो मैन, ठीक है। इस मैन ने कहा, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन, Whose photograph is it? ठीक है, कहते हैं मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई सिस्टर नहीं है, बट दैट मैन, मतलब फोटो में जो मैन है, दैट मैन्स फादर, मतलब इनके जो फादर है, ठीक है, दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन, है ना। तो ये जो मैन है, ठीक है, दैट मैन्स फादर, मतलब इस फोटोग्राफ के जो मैन है उनके जो फादर है, ठीक है, इज माय फादर्स सन, तो ये मेरे फादर के सन है,
अगर भाई इसके कोई भाई नहीं है, ठीक है ना, अगर इसका कोई भाई नहीं है तो फिर ये जो मैन है इसका ये क्या लगेगा? तो बेटा है वो। वेरी गुड, क्या लगेगा? हिस्सा, ठीक है। फिर कहते हैं पॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड, तो एक लेडी है उसकी तरफ पॉइंट करके एक आदमी ने कहा, द सन ऑफ हर ओनली, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ द वाइफ। आई थिंक इसके अंदर क्वेश्चन में कुछ है, बट एनीवेज कहते हैं द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, तो लेडी, लेडी का ब्रदर, ठीक है, एंड उसका सन, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, लेडी का ओनली ब्रदर, उसका जो सन है इज ब्रदर ऑफ द वाइफ, ऑफ द वाइफ नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कुछ एरर है। हाँ बेटा, करेक्शन में ये माई होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, पॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड, एक आदमी ने इस लेडी की तरफ पॉइंट करके कहा, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इनका ओनली ब्रदर, ठीक है, इसका जो सन हो गया, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, है ना। तो वो कह रहा है, मैन कह रहा है, जो मेरी वाइफ है उसका ये जो सन है ना, ये ब्रदर है। सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, नहीं, ये तो ऑप्शन भी मुझे थोड़ा सा, तो बेटा हुआ वो उसका ससुर हुआ, तो ससुर की बहन बहन हुई ना। हमें रिलेशन किसमें फाइंड करना है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द उसके मैन, ससुर की तो बहन ये हुई। दोनों जो हैं भाई हो गए, है ना। ये चलिए तो हो ब्रदर इन गया, लॉ हो गया। ये तो हो गया ब्रदर इन लॉ, यस ब्रदर इन लॉ के पापा, ठीक सर। है, उसके हो गए ससुर, ससुर जी की बहन, हाँ तो तो सिस्टर बुआ। ऑफ फादर इन लॉ, ठीक है। देन बेटा ये हटा रहा हूं मैं, देन थर्ड कहते हैं, अ वुमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज अ सन ऑफ ब्रदर, तो बेटा ये जो मैन है, ठीक है, ये सन है किसका, सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, अ वुमेन, तो देर इज अ वुमेन, ठीक है, वुमेन का जो मदर है उनका क्या हो गया, ब्रदर, उनका ये कजिन हुआ, सन कजिन है, हुआ, ये तो बड़ा आसान था। कजन हो गया, है ना। तो ये कौन सी ऑप्शन आ जाएगी, सी, कजन आ गया। देन कहते हैं फोर्थ, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल इन द पिक्चर, एक गर्ल है बेटा पिक्चर के अंदर, सरिता, अ वुमेन सेड, सरिता ने कहा, शी इज द मदर ऑफ नेहा, तो ये जो गर्ल है ये मदर है किसकी, नेहा की, है ना। तो एक जनरेशन में नीचे आ गया, तो शी इज द मदर ऑफ नेहा हुज फादर, शी इज द मदर ऑफ नेहा हुज फादर इज माई सन,
सरिता ने कहा, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल इन द पिक्चर, सरिता ने कहा, गर्ल इज द मदर ऑफ नेहा हूज फादर, दैट मींस गर्ल के साथ ही कौन हो गए बेटा, फादर हो गए, है ना, क्योंकि गर्ल की जो मदर है उनके हस्बैंड हो गए फादर, इज माय सन, तो सरिता जो है वो ऊपर आ गई इनसे, सरिता का ये कौन हो गया सन। हाउ इज सरिता रिलेटेड टू गर्ल इन द पिक्चर? ये तो बहू हो गई ना, बहू नहीं होगी ना, ये तो दादी होगी ना सर, उसने बोला है सरिता का जो बेटा है नहीं, वो सरिता का नेहा बेटा का नहीं फादर है, है। सरिता सरिता कह रही है ये जो गर्ल है, दिस गर्ल इज द मदर ऑफ नेहा, तो गर्ल के नीचे कौन आ गई, नेहा आ गई, तो गर्ल इज द मदर ऑफ नेहा जिसके फादर, तो मतलब नेहा के फादर जो है वो इसी लेवल पे आएंगे, क्योंकि ये अगर मदर है तो दैट मीन ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, है ना। हुज फादर इज माय सन, तो मतलब फादर जो है वो सरिता का सन है, तो टेक्निकली सरिता, हाउ इज सरिता रिलेटेड टू द गर्ल इन द पिक्चर? हाँ, मदर इन लॉ होनी चाहिए, मदर, मदर इन लॉ, सही तो कह रहा था, बहू है ना उसकी, हाँ नन ऑफ मदर दीज। इन लॉ, तो नन ऑफ दीज आ गया। ठीक है, देन हम बात कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। पॉइंटिंग इन अ गर्ल, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ फोटोग्राफ, तो बेटा एक गर्ल है उसकी फोटोग्राफ है। अमर सेड हर मदर्स ब्रदर, गर्ल की जो मदर है उसका जो ब्रदर है, हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन, तो दैट मीन्स दिस ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द फोटोग्राफ, अमर ने कहा, अमर की मदर और उनके फादर, ये एक सेट और हो गया, हर मदर्स ब्रदर मतलब गर्ल की मदर उनका ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स फादर। मतलब बी भी यहां पे आ गया, अगर बी यहां पे आ गया तो मदर भी यहां पर आ गई, और मदर के बाद नीचे कौन आ गया, गर्ल, है ना। हाउ इज अ गर्ल्स मदर, गर्ल की मदर रिलेटेड टू अमर? सर या तो उसकी मम्मी हो सकती है या तो उसकी आंट हो सकती है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। हाँ, मदर हो सकती है, नहीं मदर तो नहीं हो सकती क्योंकि अमर की जो मदर है ही ऑलरेडी, हाँ या तो उसकी मदर हो सकती है या फिर आंट हो सकती है, सर मदर का डेटा नहीं दिया ना, डेटा अमर नहीं दे की। रखा ना, हाँ तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा ना, है ना, इधर ए और सी, है ना, क्योंकि इन दोनों के बारे में ना कुछ दे नहीं रखा है, यस सर, है ना। ऑल ओके बच्चों? यस सर, यस सर, ठीक है आगे बढ़े। हाँ सर, ठीक है चलो मैं 5 मिनट दे रहा हूं, 6 से लेकर 10 करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा चेक करते हैं, 6th का आंसर क्या आएगा फिर? सर डी आना चाहिए क्योंकि उसका नामा हुआ, क्या आना चाहिए, डी 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 फॉर डी, दिल्ली, नन ऑफ डी, यस सर, ठीक है। 7th का आंसर क्या आ रहा है सर बहन होगी, सर मदर, सिस्टर, डी मदर, मदर तो नहीं आ रहा सिस्टर है सर उसकी, है,
सिस्टर हाँ सिस्टर आ रहा है। है सर। सर नमन कहता है कि वो उसकी डॉटर है, उसकी दादी की ओनली चाइल्ड थी, तो ओनली चाइल्ड यानी उसके एक ही पिता बजा की देन बेटी हुई। एट क्या आ रहा है क्या? फादर आएगा इसका। पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन दीपक सेड हिज ओनली ब्रदर। तो बेटा ये क्या हो गया? जेंटलमैन हिज ओनली ब्रदर। हिज ओनली ब्रदर इज द फादर। इसके वो क्या हो जाएंगे? फादर है ना। हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। तो दीपक की डॉटर का फादर दीपक हो गया है ना। दीपक यस की डॉटर का फादर दीपक हो गया। कहते हैं हिज फोटोग्राफ में जेंटलमैन हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। तो दीपक इधर आ गया और डॉटर जो है वो इधर आ गई है ना। हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। तो दीपक के फादर का ओनली ब्रदर। हाउ इज मैन रिलेटेड टू दीपक? हाउ इज दिस मैन रिलेटेड टू दीपक? तो क्या आंसर आ रहा है? अंकल है अंकल होगा। ना। फिर हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नाइन नाइन्थ। कहते पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। तो बेटा ये हो गई फोटोग्राफ। अ वुमेन सेड हिज ब्रदर्स फादर। इसके ब्रदर के जो फादर है तो इसका मतलब हो गया ये इन दोनों के फादर हो गए। हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड फादर। यस सर, मतलब उसके दादाजी का अकेला बेटा। हाँ तो ये हो गया ओनली चाइल्ड और ये हो गया ग्रैंड फादर। हाउ इज द वुमेन? रिलेटेड टू मैन सर, वो तो सिस्टर ही हो गई जब एक ओनली नहीं ब्रदर थे। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेड हिज। तो वुमेन को कहाँ प्लेस करना पड़ेगा ना। वुमेन ने कहा पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ हिज ब्रदर्स फादर। मतलब कि उसके हिज भाई का ब्रदर्स फादर पिता। इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड फादर। तो दैट हाँ सर मीन्स सही जा रहे सर। इसी लेवल पे वुमेन भी है। हाँ मतलब तीन भाई बहन है। हाँ हाउ द वुमेन इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। तो वुमेन इज सिस्टर। हाँ वो मेरी सिस्टर हो गई सर। सिस्टर होगी ना। तो कहते पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ये रही बेटा वो फोटो। अ वुमेन सेड हिज दिस मैन्स सन। इस फोटोग्राफ के अंदर जो मेल है उसका बेटा। तो ये तो हो गया मैन। दिस मैन्स सन्स सिस्टर तो ये हो गई वो सिस्टर इज माय मदर इन लॉ। दिस मैन्स सन्स सिस्टर। तो ये तो नीचे की जनरेशन आ रही है ना। इज माय मदर इन लॉ। तो ये हो गया उनका बेटा और ये हो गई वुमेन।
वुमेन और ये जो है हस्बैंड एंड वाइफ हो गए इक्वल टू. तो कह रहे हैं हाउ इज द वुमेन्स हस्बैंड, हाउ इज द वुमेन्स हस्बैंड, मतलब ये रिलेटेड टू, तो ग्रैंड फादर हो गए, ग्रैंड मतलब वो उनका सन, ग्रैंडसन है। ग्रैंड सन, 10th का ए ग्रैंड सन. ठीक है, यस सर, रब कर दूं. यस सर। देन लेट्स टॉक अबाउट 11 एंड 12. कहते हैं ए इज फादर ऑफ सी, मतलब ए इज फादर ऑफ सी, ठीक है, बट सी इज नॉट हिज सन. ओके, तो डॉटर ये क्या हो गई, फीमेल. ठीक है, कहते हैं ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई इज डॉटर ऑफ सी, तो इसका मतलब है ये भी फीमेल हो गई. एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, तो अगर ए इज द फादर तो एफ इज द फीमेल वाइफ हो गई, है मदर हो गई थी। अच्छा ना, एंड एफ इज द स्पाउस ऑफ ए. अच्छा, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, ऑफ सी, एंड डी इज द सन ऑफ बी. तो ये भी स्क्वेयर ब्रैकेट में आ गया. जी इज द स्पाउस ऑफ बी, तो ये क्या आ गया, उसमें आ गया सर्कल में. एंड एच इज द फादर ऑफ जी, कहते हैं हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, एफ एफ एफ, एंड कहते हैं हु इज द सन ऑफ एफ, बी बी हाँ बी. समझ में आया बेटा, है यस सर, ना, ऐसे यस सर, चार्ट अगर सही बन जाए तो हमारे सारे आंसर्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते ओके। हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कहते हैं इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ देर आर टू मैरिड कपल्स, डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ बी एंड मदर ऑफ बी. नहीं बेटा, ये तो कुछ करेक्शन है इसके अंदर. डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, करेक्शन कर लो बेटा. डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी, सी इज द वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ, एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई. ठीक है, तो जरा बना लेते हैं चार्ट, क्या कहता है. डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी, मतलब डी डी की मदर जो है नीचे की तरफ आना चाहिए, एंड डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए.
और ये ए नीचे आना चाहिए। तो डी सिंस इट इज अ ग्रैंड मदर तो हमने सर्कल कर दिया, एंड मदर ऑफ बी तो वो आ गया बेटा। कहते हैं सी इज द वाइफ ऑफ बी, तो इसका मतलब है बी जो है वो मेल मेंबर हो गया और सी इनकी क्या हो गई बेटा, वाइफ। सी इज द वाइफ ऑफ बी एंड द मदर ऑफ एफ, तो इसका मतलब है एफ भी इनके साथ आ जाएगा और सी इज द वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ। ठीक है, तो ये दोनों ब्रदर सिस्टर हो गए ए और एफ। एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, इसका मतलब है ई इधर आ गया एंड ई इज द मेल मेंबर और ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। हाउ इज सी टू ए, हो सी इज मदर। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, गई तीन। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड ना, ए और एफ भी तो है। अच्छा हाँ, बात करें हाँ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। विच इज द फॉलोइंग ट्रू, ए इज द ब्रदर ऑफ ई, ए इज द ब्रदर, नो, ए इज द सिस्टर ऑफ एफ, कांट तो से, डी हैज टू ग्रैंडसन। डी हैज टू ग्रैंड सन्स, नहीं, ये भी नहीं हो ये भी नहीं कह सकता। सकते, हमें पता ही नहीं ना, नैनो प्लीज। नन ऑफ दीज। हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल्स, बी सी एंड डी डी ई। डी दादा दादी। हाँ, डी ई इज द कपल। ठीक है बच्चों, यस सर, कर लिया कॉपी? यस सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो बनाओ इसका चार्ट एंड आंसर करो इनके क्वेश्चंस को। तो अगर आपने कर लिया है तो आंसर शेयर करो भाई। 17 का क्या आ रहा है भाई? सर 17 का है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यही आ रहा है हिमेंदु पाओ। यस सर, कैन नॉट यस बी सर। डिटरमाइंड। 18th, which of the following pairs represent the parents of the children at the last generation, of the last generation? बीसी कौन? BC। नहीं, सर 18 में ना कोई करेक्शन है, क्योंकि सर इसमें सीएस आंसर और ही नहीं सीएस, है। हाँ सीएस सीएस 2 बार आ रहा है। अच्छा, एक मिनट चेक करने दो मुझे। तो 18th में क्या आंसर बनेगा भाई? None of None of these. these. None of these. ओके, एंड 19th में क्या आंसर बन रहा है? AF. BC. सी AF. पाओ इज सर ऑल्सो सेइंग AF. कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द पेरेंट्स ऑफ कपल? सर बीसी होगा ना, अगर ए बी सी डी ई एफ छह छह फैमिली मेंबर्स हैं, तो उसमें ऑब्वियस है कि अगर सी किसी का फादर या मदर है, तो बी भी तो उसका फादर या मदर हो सकता है, क्योंकि रिलेशनल है ना। लेकिन बी के बारे में सर कुछ दिया नहीं है ना, तो अरे उसमें वो कैसे बोल ऑब्वियस सकते? है कि उस दोनों में से कोई एक एक या तो मेल होगा या एक फीमेल होगा। सर इसमें एफ मदर ऑफ डी लिखा है। और सर इसमें पूछा है कि कपल के पेरेंट की जनरेशन पूछी है, तो सर वो ऑब्वियसली बीसी ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, Which of the following pair is the parents of the couple? Not couples, couple. तो इसमें तो चार्ट बना के क्या आंसर आ रहा है? तो सर बीसी है बीसी कंफर्म। आएगा तब। बीसी आएगा। हाँ सर बीसी है। सर देन बीसी ऑप्शन आ गया। देन 20th का क्या आंसर आ रहा है? चार फोर सी। सी, फोर।
एंड 21st का सिस्टर्स सिस्टर्स डी। ठीक है आगे बढ़े। यस सर यस सर। थोड़ा सा और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। लेट अस डू 29 to 30। ठीक है ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बाकी तो आप उनको होमवर्क के लिए डिस्कस कर सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम। तो कहते हैं दिस मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू। पी प्लस क्यू मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू। ठीक है पी माइनस क्यू मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू। सर ये दो बार कैसे हो सकता ये है? दो बार कैसे हो सकता है? इसमें करेक्शन फाइंड करने को मुझे ये मदर आएगा बेटा। है ना तो दिस मीन्स पी इज द ब्रदर एंड उसके बाद सर P is P mother plus of Q is the mother of Q Q में भी and आ रहा P minus Q is the brother आएगा बेटा। brother of Q whereas P asterisk means P is the sister of Q। ठीक है तो अब इसको हम correlate करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं A plus B, A plus B का मतलब हो गया A जो है B की mother हुई is the mother of B। तो A mother है तो circle कर दिया। Then बेटा hash this means B जो B है father हुआ C का is the father of C। So B is the father of C। ठीक है Then C minus D मतलब C is the brother of D। C is the brother of D। ठीक है then A is D's grandfather grandmother yes grandmother grandmother। ठीक है which of the following show that A is the aunt of E। ठीक है तो चेक करना पड़ेगा A is the aunt। A plus B मतलब A is the mother of B। B minus C मतलब B is the brother of C। C star D means C is the sister of D। Right and D hash E means D is the father of E। तो ये तो है ही नहीं बेटा। Then A hash B इसका मतलब क्या हो गया? A is the father of sir, A is the father of B। Then B star, B is a sister of C। B is a sister of C। Then C plus D, C is the mother of D। C is the mother of D। And D minus E means D is the brother of E। इसमें भी तो दो जनरेशन आ गई, ये भी नहीं आ। मेरे हिसाब से डी देखो
डी में आएगा। ए माइनस बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। बी प्लस सी मतलब बी इज द मदर ऑफ सी। सर हम इसमें आगे क्यों बढ़ रहे, जब ए पता लग गया इज द ब्रदर ऑफ बी, हमें तो आंट पूछा है ना, हाँ ई तो में पूछा है ना। सर ए इज आंट ऑफ बी, यानी ए अगर ब्रदर हो गया तो वो किसी की आंट कैसे हो सकता है। सर हाँ वेरी गुड, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। बी वाले में भी यही बोल रहा था, बी वाले में भी सेम होगा वो। हाँ बी वाले में सेम फादर हो गया ना, तो आंट तो हो ही नहीं सकता। गुड गुड कैच थैंक यू सर। है ना। चलो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। बाकी के कर लोगे क्वेश्चन आंसर्स। हाँ सर ये हो जाएंगे। है ना, तो यू हैव ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिक्स मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन विच देयर टू मैरिड कपल्स। आर इज अ मेल मेंबर, इज नीदर लाइटेस्ट नॉर हेवीएस्ट इन द फैमिली। E is lighter than R, तो मतलब R is heavier than T. P, the grandmother in the family is the lightest, तो P is the grandmother and it is the lightest. S is sister of you, तो एक कंडीशन ये हो गई, S is a सिस्टर ऑफ यू। बोथ एस एंड यू आर हैवियर देन क्यू, एंड एस एंड यू आर हैवियर देन क्यू। क्यू इज मदर ऑफ एस, सो क्यू इज मदर ऑफ एस, एस इज सिस्टर ऑफ यू, एंड आर इज अ मेल मेंबर। ठीक है, आर इज लाइटर देन पी, पी इज अ ग्रैंड मदर, क्यू इज मदर ऑफ एस एंड हैवियर देन आर, एंड आर इज लाइटर देन मींस Q is heavier than R and R is heavier than T and U, S, they both are heavier than Q. सारा रीअरेंजमेंट हो गया। ठीक है, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। अब R इज अ मेल मेंबर, U के बारे में नहीं दिख बताया हुआ। सर तो मेरे को लग रहा है डेटा एडिक्वेट नहीं है अपने। सर हाँ डेटा इनएडिक्वेट होना चाहिए। डेटा इनएडिक्वेट, हाउ इज टी रिलेटेड टू एस। हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, इसमें भी कुछ नहीं दे रखा है इसके बारे में, नन ऑफ दीज आर डेटा इनएडिक्वेट होना डेटा चाहिए। इनएडिक्वेट ही होगा। डेटा इनएडिक्वेट होनी चाहिए क्योंकि बताया नहीं है ना, और उसके कपल के बारे में भी नहीं बताया कि कौन कपल है। सोचो
हाउ इज टी रिलेटेड टू एस? टी किस जनरेशन में आ रहा है? टी किसी जनरेशन में ही नहीं आ रहा। हाउ इज टी रिलेटेड टू एस? टी इज द ग्रैंड मदर इन द फैमिली। तो अगर ये एक जनरेशन हो जाती है तो पी इससे ऊपर आ जाएगा एंड ग्रैंड मदर आगे। तो इसमें भी 38 में भी क्या आ जाएगा? डेटा इनएडिक्वेट। हाउ इज आर रिलेटेड टू यू? हाउ इज आर रिलेटेड टू यू? कोई है ही नहीं इंफॉर्मेशन। नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ मैरिड कपल? फिर सर नन ऑफ दीज होगा, दिया नहीं है, उसके फादर के बारे में दिया ही नहीं है कुछ। दिया ही नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। यस सर, ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ठीक है, और आपका ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, प्रॉबेबली हम कल एक और क्लास रखेंगे जिसके अंदर हम लेट्स सी क्या करते हैं क्या नहीं करते। राइट बच्चों? यस ठीक है, सर, तो मैं बाय इवनिंग आपको मैसेज करके बता दूंगा कि क्या है सिचुएशन कल की क्लास की। थैंक यू वेरी मच, तब तक आप ये प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो कल आपकी मैथ्स क्लास तो होगी होगी, एंड देख लेते और कौन सी क्लास होती है। टाटा एंड बिरला।